तलवार में बिजली सी हरकत, इरादों में हिमालय की अडगता, चेहरे पर क्षत्रियानी का तेज, आंखों में एक ही शक्ति, दिल्ली पर लहराता हुआ हिंदुत्व का ध्वज, यह सपना देखने वाली थी महान राजमाता नायिका देवी, जिसने महमूद घोरी को अबू घाटी युद्ध में नपुंसक बना दिया था। यह महमूद घोरी वही है जिसने पृथ्वीराज चौहान का धोखे से वध किया था। देवी और सज्जनों, आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में दब गई इस महान रानी की गाथा। ये कहानी गवाह है उस वक्त की, जब राजपूत साम्राज्य का ध्वज पृथ्वीराज चौहान के हाथों लहरा रहा था। उस वक्त गुजरात के तख्त पर सोलंकी राजवंश का शासन हुआ करता था, और सोलंकी राजाओं के शौर्य की बात पूरे भारतवर्ष में होती थी। तब गुजरात की राजधानी थी पाटन। पाटन का वैभव और जाहोजाली पूरे भारतवर्ष में मशहूर, वहां की प्रजा सुख चैन से रहती थी। सोलंकी राजवंशों में सबसे महान राजा सिद्धराज जयसिंह, उनके मृत्यु के बाद गद्दी पर आए कुमारपाल। कुमारपाल भी वीरों में वीर, और उनके बाद गद्दी पर आए अजयपाल। वे बचपन से ही साहसिक, निडर और युद्ध कला में महारत हासिल किए हुए, और उसी दौर में गुजरात की पूर्व दिशा में कदंब नाम का राज्य, फिलहाल गोवा के नाम से जाना जाता है, और कदंब पर शासन था महामंडलेश्वर परमारदी का। परमारदी को एक पुत्र, मगर यह बाला कुछ और ही तेज लेकर जन्मे। नाओ ना उम्मीद थी, ना थी ओ नादान, बेटी थी तो आबरू बनी, फिर बनी हुकूमत की आन। शमशीर था खिलौना, शमशीर थी जुबान, सख्त थे फैसले, सख्त अंदाज बयान, सिर्फ बाजुओं में नहीं इरादों में थी जान। थी वो गुजरात के काबिल, था ए फैसला रक्त ए गुजरात, सालों आगे की सोच है, सालों पहले की दास्तां, राजमाता नायिका देवी। नायिका देवी का विवाह हुआ पाटन के शासक अजयपाल के साथ, दोनों में प्यार भी बहुत, और पुत्र मूलराज का जन्म हुआ तो पाटन के राजघरानों में खुशियों की लहर छा गई। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसको पता था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। हुआ यूं कि अजयपाल की हत्या उन्हीं के अंगरक्षक ने कर दी, और उस दिन गुजरात शोक के समंदर में डूब गई। नायिका देवी हार गई, गुजरात की प्रजा राजा भी होनी हो गई। किंतु नायिका देवी एक वीरांगना थी, उनमें किसी भी स्थिति को सुलझने की क्षमता थी। बाल मूलराज को महज 3 साल की उम्र में गद्दी पर बिठाकर राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली, और एक माँ की तरह गुजरात की प्रजा की रक्षा करने लगी। किंतु कपटी सुअर चीख पुकार नायिका देवी तक पहुंच रही थी, और इस दौरान एक नरपिशाच मुल्तान से गुजरात आया हुआ, नाम था मोहम्मद घोरी। वे गुजरात सहित पूरे भारत में लूट और कत्लेआम चलाता, क्रूरता उसकी रगों में बसी हुई थी, मानो जिंदा राक्षस। उसके कानों ने बातें सुनी कि गुजरात की एक रानी विधवा है और राज्य चलाती है, वह सुंदरता में खूब। यह सुनकर नायिका देवी को हासिल करने की लालसा गौरी के मन में जगी, और निकला 70,000 की आदमखोर सेना लेकर, आ पहुंचा अबू घाटी में, वहां पड़ाव डाला। एक दूत को तुरंत रवाना किया नायिका देवी के पास। संदेशा था, तुम और तेरी राज्य की सारी औरतें, सारी धन दौलत मेरे हवाले कर दो, वरना पाटन की दीवारें रक्त से नहाएगी। नायिका देवी ने समझदारी से उत्तर दिया, जाओ गौरी से कह दो हमें यह प्रस्ताव मंजूर है। जैसे ही दूत निकला कि उसी समय नायिका देवी बाल मूलराज को लेकर हाथों में तलवार निकल पड़ी घोड़े पे सवार।
जैसे ही दूत ने मोहम्मद घोरी को संदेशा दिया कि घोरी तो मानो खुशी से पागल हो गया। ऐसी आसान जीत से वह जश्न मनाने लगा। अपनी छावनी से खुशी से मारे पागल होता हुआ बाहर निकला और पाटन की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में हवस थी, किंतु कुछ ही देर में आबू घाटी के शिखर को पार करता हुआ एक घोड़े सवार दिखाई दिया। उसके घोड़े की चाल मानो चित्ते की रफ्तार। घोड़ा नजदीक आ पहुंचा तो मालूम हुआ यह तो कोई सुंदर महिला है और नायिका देवी इतनी जल्दी आ पहुंची। किंतु पीछे मैदानी जंग का बवंडर दिखा। हवाएं तेज होने लगी, आबू घाटी में मानो भूकंप आया हो, धरती हिलने लगी। घोरी कुछ समझे उससे पहले तो हजारों हाथी घोड़ों की फौज दिखी। सूरवीरों की ललकार गूंजने लगी। इतिहास गवाह है, अकेली संग्रामिनी नायिका देवी नहीं थी, उसके पीछे उसकी काल भैरव समी महासेना सैलाब बनकर आई थी और उस सैलाब का नेतृत्व कर रहा था वीर सेनापति दुर्जन साल जी। लोक वायकाओं में कहा है कि उस दिन घोरी सेना को आबू घाटी में चारों ओर से घेर लिया। उस दिन मोहम्मद घोरी के मुंह से शब्द निकले कि हिंदू इतनी जल्दी कैसे हमला कर सकता है। घोरी के पास सोचने का भी समय नहीं था और भयंकर संग्राम का आरंभ हुआ। गुजरात के राजपूतों की शमशीरों का एक एक वार घोरी सेना का सर धड़ से अलग कर रहा था। नायिका देवी के दोनों हाथों की तलवारें मानो मौत का तांडव मचा रही हो। उस दिन शमशीर भी उनके हाथों में काली नागिन बनी थी। मुस्लिम सैनिकों के रक्त से मानो आबू घाटी लाल हो गई। रक्त की नदियां बही, कटे हुए सर छुटी हुई तलवारों से रणभूमि शमशान हो गई। अब घोरी के पास एक ही रास्ता था, युद्ध भूमि से भागना, क्योंकि साक्षात दुर्गा समीर नायिका देवी को युद्ध करती देख घोरी की सांसें थम गई। घोरी और उसके 500 सैनिक भागे, पीछे नायिका देवी। नायिका देवी ने एक तलवार का वार किया, घोरी के पीछे गुदा में लगा और आर पार निकला। लोक वायकाओं में कहा है कि उस दिन घोरी का घोड़ा मुल्तान जाकर ही रुका, क्योंकि यह था नायिका देवी का खौफ। और मुल्तान पहुंचकर घोरी को पता चला कि उस तलवार के वार ने उसे नपुंसक बना दिया। इतना ही नहीं, फिर 13 सालों तक उसने भारत की ओर देखा तक नहीं। ईसा 1191 में पृथ्वीराज का जिसने धोखे से वध किया, वही मोहम्मद घोरी गुजरात की इस महान रानी से खौफ खाता था। देवियों और सज्जनों, यह थी द ग्रेट क्वीन ऑफ गुजरात, राजमाता नायिका देवी। मैं आशा करता हूं कि इस युग में भी भारत की हर एक बेटी निडर साहसिक बने और देश दुनिया में हिंदुस्तान का सर ऊंचा करे। डरना तो किसी के बाप से नहीं, हमारे शास्त्रों ने स्त्री को यूं ही नहीं शक्ति कहा। बस आपके अंदर रह डर को भगाओ, क्योंकि आप भी झांसी की रानी अहिल्याबाई, जीजाबाई या फिर नायिका देवी ही हो। फिर मिलेंगे, तब तक हमारे दूसरे वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।